पहले कर दिए ना, बाद में थोड़ी हुई। जानू कर दो भैया अपना। तीन चार साल तैयारी करी वैसे ना जाने। नाव बजालो जिसे बजाना जितना बजाना। चार साल बाद तब तक बीजेपी चार पाँच साल में हो जाएगी, फिर उसे वोटिंग के लिए फिर बोलेंगे कि यूपी साइड का भी एग्जाम निकल रहा है डाल दो, तब तक हमारी एस निकल चुकी होगी। निकाला गया था 9:30 करेक्ट, 10 का टाइमिंग लिखा हुआ था और 9:30 मैं यहाँ आ गई हूँ। और जब मैंने अपना ये एडमिट कार्ड मैंने अपना ये दिखाया और मैंने अपना ये वोटिंग क्या बोलते हैं आधार कार्ड दिखाया तो ये फेक बता दिया गया है। और हमारा तो मैंने इन्हें फिर क्या हुआ मेरे पास मैंने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट दिखाए अपने तो ये कह दिया ये अटैच नहीं है इसे अटैच करा के लेके आओ ठीक है। बट उसके बाद जब मैंने एंट्री नहीं उन्होंने मुझे बाहर कर दिया और इतनी लंबी लाइन थी। जब पता है कॉलेज स्कूल में 5 गेट हैं तो आधे आधे बच्चों को सब में एंट्री करा देते कि क्या टाइमिंग हो गया फिनिश हो गया तुम चलो बाहर चलो। ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया। तो अगर ऐसे लोगों को बाहर निकालना था फिर एग्जाम की डेट ही क्यों रखी गई है बोलो मुझे, अगर टाइमिंग की डेट ही क्यों रखी गई है। और फिर जब हमें एग्जाम नहीं देने दिया है तो ये आईडी जब पता है बीजेपी जब आधार कार्ड से वोटिंग डलवाती है तब तो ये ओरिजिनल होते हैं, लेकिन जब आज हम एग्जाम के आईडी प्रूफ लेके आ रहे जब हम आज ये आईडी प्रूफ लेके जाते तो इसके सिवाय हमें एग्जाम नहीं दिया जा रहा क्यों भाई। कितना स्टूडेंट है जो आज उनको एंट्री नहीं मिली पेपर नहीं दे पाए? कम से कम 200-250 बच्चे हैं जिन्हें एग्जाम नहीं दिलवाया गया डीपीएस स्कूल में। आज आप रोड पे हैं, पुलिस का क्या रवैया? पुलिस का क्या रवैया है? कह रहे तुम्हारा हमारी गलती दिखा दे कि ये तुम्हारे अटैच ओरिजिनल नहीं है, ये तुम्हारे फेक ओरिजिनल फेक ये आईडी क्या बोलते हैं सिग्नेचर है, तुम्हारे प्रिंसिपल के सिग्नेचर नहीं है, ये पुलिस का धंधा है, पुलिस ऐसे बोल रही है। आपने जाम भी लगाया था? हमने जाम लगाया लेकिन हमारी किसी डीपीएस क्या बोलते वो भी डीएम क्या बोलते एसडीएम भी आए हैं। हाँ एसडीएम भी आए हैं, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, हमें ऐसे धक्का करके बाहर कर दिया, चलो गेट से बाहर निकलो चलो। और प्रशंसा बोल रही है कि तुम्हें पता है तुम कितने दिन के लिए अंदर चले जाओगे, ये धमकी हमें दी जा रही है प्रशंसा बोल रही है। प्रशासन पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है तुम काफी दिन के लिए अंदर चले जाओगे, तुम पता है तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब ये बताइए हमें हम क्या करें, हम अगर रोड जाम ना करें तो हम क्या करें। एसडीएम सर आए थे मेन गेट से जहाँ से एंट्री की जा रही थी हम लोगों की, वहाँ से एसडीएम सर को आने नहीं दिया गया, वो गए पीछे वाले रास्ते से गए प्रधानाचार्य जिससे भी विद्यालय। मैं एग्जाम देने वाला हूँ, एग्जाम देने के लिए ही आया था। 9:30 तक मैं यहाँ आ गया था, यहाँ तक कि मैं अंदर चला गया था, मेरा यहाँ तक कि फ़ोन जमा है अंदर कॉलेज में, मेरा फ़ोन जमा है, उन्होंने फ़ोन अंदर जमा कर लिया, मेरे को लाइन में लगवा दिया, बोल रहे हैं बाहर जाओ एक एक करके लेंगे, एक एक करके लेने में मेरा गेट बंद कर दिया। अब मैं एडमिट कार्ड लेके बाहर खड़ा हूँ, मेरा फ़ोन अंदर है, मैं यहाँ से बहुत दूर से आया हूँ, मेरा अगर जगह देखा जाए तो मैं गाजीपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश गाजीपुर बनारस के पास में पड़ता है। अब बताइए संदीप नाम है मेरा। आपने कुछ कहा होगा
आपके पास ओरिजिनल कॉपी होने के बावजूद भी आपको एंट्री नहीं मिली। इंस्ट्रक्शंस में कोई चीज की फॉर्मेलिटी का बताओ, आप क्या कर सकते हैं? हर सेंटर को सर एंट्री हुई है, इसी के पास ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिछली बार से रिक्वेस्ट करने पर प्रशासन का 10 बजे तक हमारा राइट है, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? पेपर कोई हमारा राइट है, उसे को बैन करो आप, जो हमारा मुझे उनको कोई लेना देना नहीं, हम कैसे मैनेज करते हैं? होने के बाद भी सब बच्चे टाइम से पहुंचा है, फिर भी यहाँ के प्रशासन नहीं अंदर जाने दिया। पहले अंदर ले लिया गया, उसके बाद बाहर कर दिया गया, अटैच करवा के लिए गेट के अंदर करके फिर बाहर कर दिए लोग। आप कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए और क्या समस्या आ रही है? सर मैं नोएडा से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा से। मेरी वाइफ का एग्जाम है, यहाँ पे अटेस्टेड मांग रहे हैं। अटेस्टेड जो आउट ऑफ स्टेशन है उनका अटेस्टेड कैसे होगा और रिजल्ट भी अभी निकला है, कैसे कराना जाएगा मुझे एक चीज बता दीजिए। ये पहले से आपको नहीं पता था पहले सर जो आउट ऑफ स्टेशन है वो कैसे जाएगा? मुझे अभी तो डेट आई है। वहाँ पे प्रशासन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं थी, ना सैनिटाइजर था, ना ही गेट पे गार्ड थे, ना ही कुछ व्यवस्था थी। गेट पे इतनी भीड़ होने के कारण वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग हो रही थी ओरिजिनल, जिसमें लोग जो है लेके भी थे, ओरिजिनल भी लिए थे, अट्रस्टेड भी लिए थे और वैसे भी लिए थे, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ लोग एंटर किए थे उस पेपर पर, तो जो लोग ओरिजिनल भी लिए थे वो लोग भी खड़े थे। भीड़ गेट पर बहुत ज़्यादा थी, जिसमें उन्होंने 15 मिनट के लिए गेट खोला और उसके बाद जितने लोग अंदर जा सके उतने लोग अंदर गए, उसके बाद कोई लोग अंदर जा ही नहीं पाया और वो सब लोग गेट पर ही रह गए और गेट बंद कर दिया गया।
और उन्होंने बोला टाइम पूरा हो गया। गेट पे भीड़ होने के कारण लोग अंदर व्यवस्थित तौर पर अंदर एंटर नहीं कर पाए, तो कैसे एग्जाम देते वो लोग। उसके बाद उनका समय पूरा हो गया। हाँ, बोला कि सैनिटाइजर लेके आओ, लोग गए जो उनको बोला सैनिटाइजर लेके आओ, तो लोग मार्केट तक गए, बेचारे परेशान हुए, जब लौट के आए तो गेट अब बंद था, है ना। तो ये तो प्रशासन का काम है ना। और सही बात तो ये है कि गेट पर भीड़ हटाने के काम नहीं किया गया, जिससे लोग अंदर एंट्री ले पाते। गेट पर भीड़ बनी रही, उन्होंने 15 मिनट गेट खोल दिया, बोला कि अंदर हो जाओ, 15 मिनट और बंद कर दिया, जिसमें भीड़ के कारण महिलाएं बहनें अंदर हो ही नहीं पाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुनीत कुमार शर्मा है, मेरी पत्नी यहाँ पर एग्जाम देने आई थी, हिमानी शर्मा। कहाँ से आए थे आप? हम लोग आए हैं नोएडा एक्सटेंशन से। लेकिन जो वहाँ का एग्जामिनर है, जो वहाँ का जिसके ऊपर होल्डोल है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मांग अब ये है कि कॉलेज प्रशासन को जो है कार्रवाई हो, और ये सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो है जो लोग रह रहे हैं उसका दोबारा एग्जाम करवाया जाए। हमने इसकी जो है ज्ञापन SDM साहब को सौंपा है, मिस्टर सुहास LY साहब को मैंने रिसीविंग लिया है, उनके स्टैंडों ने मुझे रिसीविंग दिया है ना। और ये कॉपी मैं जो है विधायक पंकज सिंह जी को भी सुपुर्द कराता हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि सख्त सख्त कार्रवाई हो, दोबारा एग्जाम कराने की मांग करता हूँ। ये तो बड़ी, हाँ बड़ी समस्या है। सैनिटाइजर के बिहाफ पर किसी को एग्जाम में ना बैठने दिया जाए, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं है। स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था? जब स्कूल को पता था कि हमारे सेंटर में एग्जाम होना है, तो उसको सारी व्यवस्थाएं पहले से करके रखनी थी। सनराइज वैली सेक्टर 25। कहाँ से आए हैं और किस जगह पे आए हैं? आज आपका पेपर छूट गया है, क्या कह रहे हैं? आई हूँ बदरपुर से जी, और मैंने अपना BEd की वो DL Ed किया है मैनपुरी से, और मेरा अभी रिजल्ट कुछ हफ्ते पहले ही पास आउट हुआ है। फर्स्ट सेकंड सेमिस्टर और थर्ड सेमिस्टर प्रमोट हुआ है, तो हमारे पास फाइनल मार्कशीट एक भी सेमिस्टर की नहीं है, क्योंकि 3 सेमिस्टर का एक साथ रिजल्ट आउट हुआ है कुछ गैप के साथ। यहाँ क्या समस्या आ रही है? यहाँ ये समस्या है कि ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल कॉपी लेके आओ जो मार्कशीट की है, तो हमें कहाँ से ओरिजिनल कॉपी मिलेगी? और फोटो कॉपी हमारे पास है, नेट में हम बोल रहे हैं कि रोल नंबर डाल के हमारा सत्यापित कर लो कि हम सही हैं कि नहीं, पर ये लोग राजी नहीं है। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे? भारतीय पब्लिक स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हम एटलीस्ट 250 चिल्ड्रन बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम देने से रोक रखा है, नहीं देने दे रहे हैं। मैं MP से बिलोंग करती हूँ, वहाँ अटेस्टेड करवाने नहीं जा सकती ना मेरे डॉक्यूमेंट। मैं कहाँ MP कहाँ UP, पहले इन लोगों ने बताया नहीं कि ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद इन लोग ऐसा कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे ऐसे जो एंट्री नहीं कर रहे? बहुत सारे बच्चे हैं, हर स्कूलों में बच्चे, यहाँ अकेले नहीं है, कहीं एंट्री नहीं दे रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ बस नहीं दे रहे हैं, अंदर गए थे वो बाहर भगा दिए, और अब बोलते हैं बात करेंगे, और बाहर गेट बंद कर लिया, कोई सुनने के लिए एग्री नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी बाहर नहीं आ रहा कि हम लोग से बात की जाए। कॉपी फोड़नी नहीं, नोटबुक की कॉपी लेके आएगा यहाँ पे।